हेलो गाइस, तो फाइनली सेकंड पार्ट में इसका बना रहा हूँ। जो हमने पहले पार्ट के अंदर जो वायरलेस रोबोट बनाया था उसको मैं गेस्चर कंट्रोल रोबोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर प्रोग्रामिंग लगेगा, तो ये थोड़ा सा कॉलेज लेवल का है, लेकिन इसको स्कूल स्टूडेंट भी बना सकते हैं अगर वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं आप। तो वीडियो को फॉलो करते रहिए आप और इसको देखिए कैसे बनता है गेस्चर कंट्रोल रोबोट, जिसके लिए अभी हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या होगी। पहले पार्ट के अंदर हमने जो पार्ट्स दिए थे उसके अलावा हमें ये दो पार्ट की रिक्वायरमेंट है। और ये हमारे पास एक्सेलरोमीटर, ठीक है, जायरो प्लस एक्सेलरोमीटर है। इसका मैं नीचे लिंक किट में इसका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा मैं आपको। इसको फोकस कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आर्डिनो, हमारे पास आर्डिनो की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो पहले तो हमारा ये वायरलेसली चलता था इससे हमारा ईजिली। अब हम इसको हाथ की मूवमेंट से चलाएंगे, कैसे भी वर्क करता है, चलिए इसको समझते हैं। इस पार्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारा तैयार है पहले से। पहले पार्ट में इसका वीडियो ज़रूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पार्ट वन। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले बात बता देता हूँ आपको, इसका सर्किट डायग्राम लगेगा। मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं पेपर पे आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि कनेक्शन कर सके। बहुत जल्दी कनेक्शन हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ठीक है। तो वीडियो के अंदर आप देख लेंगे तो आपको वीडियो में ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात हमें चाहिए इस सिस्टम को इससे जोड़ने के लिए। तो हमारे पास एक सर्किट है ये वाला, ये एक्सेलरोमीटर है, जायरो प्लस एक्सेलरो कहलाता है ये, एमपीयू के नाम से आता है ये एमपीयू 6050 के नाम से आता है जैसा लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है ऊपर वीसीसी है, नीचे ग्राउंड है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये ऑरेंज वायर यहाँ पे हम पॉजिटिव में दे देंगे, ओके, आपको दिख रहा होगा। ये हम येलो दे देंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर देखिए आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जम्पर वायर को ज़रूर चेक कर ले मल्टीमीटर से। जम्पर वायर जनरली बहुत सारे ख़राब आते हैं, दिक्कत आती है इनमें। तो ऑरेंज वायर हमारा जो पॉजिटिव है हम उसको यहाँ पे 5 वोल्ट पे देंगे। यहाँ आर्डिनो में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लें आप, यहाँ पे आर्डिनो में लिखा है 5 वोल्ट, मतलब पॉजिटिव मैं 5 वोल्ट पे दे रहा हूँ। इसके अलावा जीएनडी जो सेकंड वायर था वो मैं नेगेटिव में दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इस बोर्ड से दे दिया है इसको, ठीक है। ये हमारे पास सेटअप रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें एक और इम्पॉर्टेंट क्या है जो इसे सेटअप से जोड़ना है, इसके 3 सिग्नल हैं, ठीक है, SCL SDA। ये 2 सिग्नल यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये और एक यहाँ पे एक कॉर्नर वाला सिग्नल, ठीक है। तो अभी तीनों में हम जम्पर्स वायर जोड़ेंगे हमें, क्योंकि तीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं थोड़ा सा उसको और पास कर लेता हूँ आपको और अच्छे से देखिए, ओके। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपके डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। और ये यूनिक है, कॉलेज में तो ये बहुत चलता है कॉलेज के अंदर, स्कूल में तो मस्त मज़ा आ जाएगा सबको बना के। आपको अगर वीडियो मेरे अच्छे लगते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में लेके आता हूँ। बनाना बिल्कुल आसान है, ये वाला तो मैंने आपको बताया, इससे पहले वाला वीडियो 20 मिनट में तैयार हो गया, 10 से 15 मिनट के अंदर। ये वाला वीडियो भी जल्दी हो जाएगा, बस इसमें कंट्रोलर लग रहा है, माइक्रोकंट्रोलर, तो ये यूनिक चीज़ है इसके अंदर। सो अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे कनेक्शन में देखो हमने क्या क्या जोड़ लिया, मैं वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। दिख रहा आपको SCL SDA जोड़ दिया मैंने, NPL लास्ट में जोड़ दिया कनेक्शन। अब ये जो है SCL हमारा जो है हम उसको देख लेंगे, ब्लैक वायर SCL हमारा जो है वो ब्लैक वायर है, ठीक है। SCL हमारा जाएगा A5 में। ये ऐसा क्यों कर रखा है, ये सर्किट डायग्राम में दिया हुआ है, मेरे पास फिलहाल सर्किट डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, मैं सर्किट डायग्राम बाद में डाल दूंगा, ठीक है। SDA, अब SDA के अंदर जाएगा, SDA जाएगा A4 में जाएगा, ठीक है। तो A4 और A5 के अंदर मैंने SCL और SDA जोड़ दिया है, आपको बता देता हूँ। ये ब्लैक वायर SCL है, तो ब्लैक वायर जा रहा है हमारा किसके अंदर, A5 में, ध्यान रहे। ग्रे वायर A4 में जा रहा है, तो जो A4 वाला वायर है SDA, वो देख लो यहाँ पे SDA लिखा रहा है, ठीक है। अब बचा हमारे पास एक रेड वायर, जो रेड वायर जो है हमारा एक कॉर्नर पे जो लगा हुआ है, इसको हमें कनेक्ट करना है D2 से। अब हमारे पास D2 कहाँ पे, यहाँ पे 012 पिन नंबर 2 पे इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा पिन नंबर 2 कनेक्ट हो गया हमारा, ओके। सो फाइनली हमारा इतना सेटअप रेडी है, ठीक है। ये एक्सेलरोमीटर हमारा कनेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करने हैं, जो इससे जो भी सिग्नल निकलेंगे वो इससे देने हैं। तो हमें 4 वायर इससे जोड़ने हैं, किससे जोड़ने हैं वो बता देता हूँ मैं, 4 5 6 7 से आपको उसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन करते हैं पहले, मैं बताता हूँ आपको। तो मेरे जम्पर वायर्स ये आ चुके हैं, मैं यहाँ से वापस 4 वायर निकाल रहा हूँ, 4 वायर जनरली, और इसके अलावा मेरे को फ़िलहाल ज़रूरत पड़ेगी 4 वायर की फ़िलहाल, ओके। सो फर्स्ट मैं 4 वायर को निकाल लेता हूँ और इन 4 वायर को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ इससे, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे आर्डिनो के अंदर, मैं यहाँ पे क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको कोड भी बता दूंगा, मैंने कोड के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो 4 वायर लाइन से, बिल्कुल लाइन से, मैं सारे वायर जो है मेरे 4 5 6 7 में डालता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4 5 6 7, ठीक है, 4 5 कनेक्शन आप बिल्कुल करें। वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा,
क्योंकि मैं वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। ओके सो कुछ ही टाइम की बात है, अभी कंप्लीट होने वाला हमारा सेटअप। तो ये इससे चारों कनेक्ट हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन चारों सिग्नल को हमें इस एक्सेलेरोमीटर में देना, ठीक है। इस एक्सेलेरोमीटर में हम देने वाले हैं, ये हुई बात हमारी। ओके हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, दो वायर तो हमारे इजीली चले गए हैं, एक बचा है, इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये पॉइंट है, ठीक है, ये ओके। सो फाइनली ये हमारा सेटअप, देखिए यहाँ से ये एक्सेलेरोमीटर है, ठीक है। ये मूवमेंट्स को डिटेक्ट करेगा, कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग किया हुआ, उससे सिग्नल जाएगा। और वो सिग्नल कैसे चलता है, जैसे हम बटन दबा रहे थे, बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। टिल्ट मूवमेंट में चलेगा, तो दोनों ही इसमें सिस्टम काम करेगा। आप इसे चाहे तो वायरलेसली चला सकते हैं, साथ में एक्सटर्नल मोड भी ला सकते। तो ये यूनिक बात है, इसे कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी इसके अंदर मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो है, इन दोनों का नेगेटिव कॉमन करना है, ठीक है। बात समझ में आई, भले ही आप इसके अंदर दो बैटरी लगा दें या एक बैटरी लगा दें या फिर इसको इसी से पावर दे दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो ये वाला कनेक्शन आप हटा सकते हैं, ये बैटरी कैप हमारा काम का नहीं है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अब पावर देने वाला हूँ इससे। ये वायरलेस वाले केस में काम आता है, ठीक है। अब वायरलेस वाला हमें रोबोट नहीं चलाना, आप लगा के रखना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी इसको पावर चाहिए तो मैं यहाँ इस पॉइंट पर देने वाला हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट और GND, मतलब इसको 5 वोल्ट चाहिए, तो मैं इस बोर्ड से 5 वोल्ट और ग्राउंड दे दूंगा इसके अंदर। दोबारा हमें दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसमें वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। अब मैं इसके अंदर दो वायर जोड़ रहा हूँ, ये हमारा ट्रांसमीटर पार्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा रिसीवर पार्ट, ये ओके। सो अब हमारे पास, हमें बस पढ़ना है ध्यान से, कि ये जो GND येल्लो वायर है, ठीक है, ये येल्लो GND जो वायर है वो हमारे GND में जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे V इनपुट और इसके जस्ट बाद एक GND हमारे पास खाली है, ये वाला। तो इसमें मैं ये वायर डाल देता हूँ येलो वाला, मतलब नेगेटिव जोड़ दिया हमने, ठीक है। चलो इसको अच्छे से जोड़ते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा हमारे पास इस ग्रीन वायर को पॉजिटिव देना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये 5 वोल्ट लिखा है पिन नंबर 2 पर, मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो फाइनली पूरा कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब इसको मैं अपने ग्लव्स पे सेट करना, लेकिन ग्लव्स पे सेट करने से पहले मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ताकि यहीं इसकी टेस्टिंग हो जाए, ताकि आपको यहीं पता लग जाए किस तरह से वर्क कर रहा है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें कोड भरना है, तो हम सबसे पहले कोड डालते हैं। कोड का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कोड दे दूंगा, इजिली आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं कोड ओपन करता हूँ, फिर कोड की तरफ लेके चलता हूँ आपको। सो गाइज, ये हमारे पास कोड है, MPU 6050 हमारे पास हाइड्रा फाइल है। ध्यान रहे, एक वर्ड में जो बोल रहा हूँ, इसकी हाइड्रा फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको अपलोड करनी पड़ेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कैसे इसको अपलोड करते हैं, ठीक है। आपको लिंक दे दूंगा हाइड्रा फाइल कैसे ऐड करते हैं, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं कैसे लाइब्रेरी कोड किया जाए। कोड पूरा वर्किंग है, 100% वर्किंग है, ये वर्क करेगा। अब मैंने आपको बोला था, मैंने पिन नंबर 4, 5, 6, 7 पे हमने आउटपुट जोड़ा, तो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने सारी इसमें कंडीशन डाल दी है, देखो टिल्ट होने की कंडीशन है, अल्टरनेट, देखिए यहाँ पे ये दोनों हाई हो रहे हैं, लेफ्ट राइट सारी कंडीशन डाल दी है। सो ये कोड को हम अपलोड करने से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने बता दिया आपको, मैंने इसकी लाइब्रेरी इसको ऐड कर रखा है, आप लोग भी इसको ऐड कर ले अगर आपके यहाँ पर रेड एरर आ रही। तो सबसे पहली बात, जब इसको रन करेंगे आप, पेस्ट करेंगे आप, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये एरो का बटन है, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर डन लिखा जाता है, इसका मतलब कोड सही है, आपका अपलोड हो गया, आपकी लाइब्रेरी पहले से ऐड है, ठीक है। अभी इसका अपलोडिंग हो रहा है, ठीक है, ये रन हो रही फाइल, कंपाइल हो रही है, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है, चलने देते हैं थोड़ी देर। ओहो बड़ा स्लो है मेरा कंप्यूटर, कोई बात नहीं, मैं चाहता नहीं उसको स्किप करूँ, ताकि आप इस चीज़ को देख पाए अगर कोडिंग में आपको दिक्कत आती है तो, ठीक है। हो गया फाइनली, देखिए यहाँ पर डन लिखा आ चुका है, ठीक है, थोड़ा टाइम लिया इसने। अब मुझे क्या, ये कोड वेरीफाई हो गया, लेकिन अगर एरर आती है तो नीचे बोल देगा, रेड कलर का आ जाएगा आपके एरर, नीचे आपके एरर आ जाएगा तो रेड कलर का आ जाएगा। तो मैं वही बताना चाह रहा था आपको, इसकी फाइल ज़रूर डाउनलोड करना, लाइब्रेरी तो एरर आ सकती है आपके, अदरवाइज एरर नहीं आएगी। कोड पूरा 100% वर्किंग है, कोई इसको फेक नहीं कह सकता। तो चलिए अब केबल्स को कनेक्ट करते हैं। मेरे पास ये USB केबल लगी हुई है, कंप्यूटर में लगा दी, और ये मेरे पास केबल है जो मैं आर्डिनो के अंदर, यहाँ पर जो हमारा आर्डिनो है, इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ और एक कोड को अपलोड कर रहा हूँ। चलिए इसको मैं, ठीक है,
यहाँ लाइट चालू होगी, ये देखिए लाइट यहाँ भी चालू हुई, यहाँ भी चालू हुई और यहाँ भी, तीनों में लाइट चालू हुई। इसका मतलब सिस्टम तीनों में पावर आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपको कनेक्शन चेक करना है, जब्बर वायर को मल्टीमीटर से चेक कर लो आप। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले तो देखो अब टूल में जाऊँ, और टूल में जाने के बाद आपका पहले कॉम पोर्ट सेलेक्ट कर लो। मेरा 47 आ रहा है तो 47 ही आएगा, ठीक है। 47 पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये अपलोड कर रहा हूँ मैं। ये अपलोडिंग का बटन दबा दिया मैंने, दोबारा नीचे से स्क्रॉलिंग हो रही है, यहाँ पर लिखा आ जाएगा डन अपलोड, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको। सो ये अपलोड 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 अपलोड, ये देखिए डन अपलोड लिखा आ गया। मेरा कोड इसके अंदर रन हो चुका है पूरा का पूरा। ये अच्छे से बता दिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको, अगर अच्छे से चलाना है तो इसको फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। सो आपको मैं ये लाइब्रेरी कैसे ऐड करते हैं MPU की, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे इसका वीडियो भी बनाना पड़ रहा है। ये zip फाइल ऐसे आपको डाउनलोड करने को मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस फाइल को आपको एक फोल्डर में सेव कर देना है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है प्रिंट फाइल करके, इसमें ये सेव कर दिया है। अब इसको कैसे ऐड करते हैं, पहले तो आपका जो कोड है उसमें जाना पड़ेगा आपको। ये हमारा कोड था, मैंने कहा था वो कोड में जाना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए कोड है। अब मेरे को लाइब्रेरी ऐड करनी है। अगर आपका रन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अब लाइब्रेरी को ऐड करने का टाइम आ गया। मैंने फोल्डर मुझे याद है मैंने कहाँ उस फाइल को रखा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फाइल में जाऊँगा, ठीक है, एग्जाम्पल में जाऊँगा, यहाँ स्केच में जाऊँगा, सॉरी स्केच में जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए इंक्लूड लाइब्रेरी, यहाँ पे वर्ड आ रहा है। अभी भी ध्यान से देख लें आप, स्केच में जाने के बाद ये स्केच है, स्केच में जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी आ रहा है। लाइब्रेरी में जाने का ऐड zip लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसको क्लिक किया। अब मुझसे फोल्डर मांग रहा है, तो मैं इस डेस्कटॉप पर जाके मेरा प्रिंट फाइव का फोल्डर था और इस फाइल को मैं ऐड कर लेता हूँ। मेरी फाइल पहले से ही ऐड थी, इसलिए ऑलरेडी बता रहा है यहाँ पर कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिट है, ऑलरेडी एग्जिट्स है, ठीक है। तो मैंने पहले ही ऐड करी, आपके ऐड हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्टली आपको रन करना है और आपका कोड रन कर जाएगा। जब ये रन कर जाएगा तभी आप इसमें कोड में डाले प्रोग्राम अपलोड करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम आती तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब टेस्ट करते हैं। हमने कोड डाल दिया, ये हमारे पास ऐसा जैक है, आपको इस तरह का जैक यूज़ करना पड़ेगा आर्डिनो में पावर देने के लिए। मैंने यहाँ आर्डिनो में पावर दे दिया है। अब 9 वोल्ट इससे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, तो जैसे मैं इसमें कनेक्ट करूँगा सब जगह पावर आ जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे पावर आ रही है, सही है कनेक्टेड, यहाँ पावर आ रही है सही कनेक्टेड। देखते हैं अब सिग्नल कैसे जा रहे हैं, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, बहुत समझने की ज़रूरत है। ये स्टेबल है हमारे पास, तो इसमें चारों लाइटें बंद है, लेकिन जब ये टिल्ट हो रहा है दो लाइटें चालू हो रही है। ये स्टेबल, ये टिल्ट हो रहा है लाइट चालू, ये हो गया। अगर लेफ्ट कर रहा हूँ तो देखिए हमें दो सिग्नल दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। सीधा कर रहा हूँ बंद हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। अब जैसे मैं इसको आगे करूँगा, देखना आगे की दो करते दो के बीच ही दो लाइटें चालू होगी। अब मैं जैसे इसको स्टेबल करूँगा बंद हो गया, तो अगर मैं इधर करूँगा तो ये देखिए दो लाइटें, तो यहाँ सिग्नल मिलने लग गए हैं। यही सिग्नल हमारे बटन दबाने से मिलते थे, अब ये सिग्नल वहाँ कैसे पहुँचते हैं, अब इसकी टेस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले उधर बैटरी लगाते हैं, इसको स्टेबल कंडीशन में रखते हैं। हमें यहाँ बैटरी कनेक्ट करनी है, तो हमने यहाँ सिस्टम के साथ बैटरी कनेक्ट कर दिया है। ओके, ये हमारे पास बैटरी कनेक्ट हो गया, ये बैटरी कनेक्ट हो गया। कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। सो फाइनली इसको टेस्टिंग करने जाने वाले हैं। अगर ये चल जाता है अच्छे से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप। ये हमारे पास सेंसर है, अब मैं इसको स्टेबल रख दिया मैंने। अगर मैं इसको आगे टिल्ट करता हूँ तो ये आगे जाना चाहिए, देखिए आगे कर रहा हूँ फॉरवर्ड। सो फाइनली वर्क कर रहा है ये बहुत शानदार। बैक कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप, मैं टिल्ट कर रहा हूँ, स्टॉप, राइट, स्टॉप, फॉरवर्ड, स्टॉप, टिल्ट, टिल्ट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, स्टॉप। सो फाइनली वर्क करता है। अब मैं इसको ग्लव्स में चला के दिखाता हूँ आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, मैंने कोड्स वगैरह सब दे दिए हैं आपको। ग्लव्स की टेस्टिंग करते हुए बताता हूँ आपको। हमने एक्सेलेरोमीटर को यहाँ चिपका लिया, आप कैसे भी चिपका सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर आर्डिनो लगा लिया है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमीटर पार्ट या बैटरी लगा लिया। अब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात मैं अपने हाथ को मूवमेंट आगे दूंगा, तो ये फॉरवर्ड, स्टॉप, फॉरवर्ड, स्टॉप, बैकवर्ड, हम इसे बैकवर्ड लेंगे, बैकवर्ड, स्टॉप, हम इसे टर्न लेंगे, टर्न, स्टॉप, टर्न, स्टॉप, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टॉप, टिल्ट। सो फाइनली कंप्लीट रहा। ये कैसा लगा आपको वीडियो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फाइनली हमारा गेस्चर कंट्रोल वाला रोबोट तैयार हो चुका है, हम इसे मूवमेंट्स को पीछे ले रहे हैं। इसको अच्छे से आप सेट कर सकते हैं, और चाहे तो मैंने तो उसको फाइनली करा, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। थैंक यू।